प्यार तो होना ही, तो फिल्म सुपर हिट है क्योंकि मेरा फेवरेट टाइटल है और प्यार सबको होता ही है, तो प्यार होना ही तो हिट है। और प्रमोद शास्त्री जी के बाद छलिया के बाद ये मैं तीसरी फिल्म कर रहा हूँ उनके साथ, रब्बा इश्क न हो गए छलिया, और ये जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ हमेशा से। और इस फिल्म में मेरा किरदार इस बार नेगेटिव फिर से दिखने को मिलेगा, छलिया में चक्रधारी था और इस बार काली है, तो एक चैलेंजिंग रोल फिर से दे दिया है ताकि आप कहीं और दिमाग मत लगाएं, सीधे घोड़े की तरह चलते रहें, तो पूरा फोकस है उस रोल के लिए। और जब फिल्म में काम करके और जब फिल्म रिलीज होगी तब आप सब बताएंगे कि मैंने कितना जज अपने काम के साथ ईमानदारी बरती है। अरे प्यार तो होता ही रहता है, एक बार नहीं कितनी बार हुआ, लेकिन हाँ आखिरकार प्यार होना ही था, ये अच्छी बात है। और पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि छलिया के बाद तकरीबन हम वही सब कलाकार हैं। और कास्टिंग पे ही सबसे पहले मैं प्रमोद जी को धन्यवाद दूंगा कि सशक्त कलाकारों की टीम एक खड़ी कर दी है, जिससे देखने में बड़ा मजा आएगा, दर्शकों को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। देव हैं, बल्लू भैया हैं, सुशील भैया हैं, कल्लू जी हैं, यामिनी जी हैं, बड़ा मजा आने वाला है। और कहानी अपने आप में बहुत संवेदनशील, बहुत पारिवारिक और बहुत इमोशनल है, तो जो भी देखेगा कहीं ना कहीं हर किरदार से अपने आप को एक कनेक्ट कर लेगा। और जैसा हमेशा होता है लेकिन इस बार ज़रूरत से ज़्यादा है कि ये कहानी यहाँ ज़रूर आपके दस्तक करेगी, इतना तो दावा है। जैसा कि अभी मैं लगातार फिल्में बना रहा हूँ, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से मैच नहीं होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट दूसरे से मैच ना हो। जैसे रब्बा इश्क न हुई थी तो एक लव स्टोरी थी, एक दूसरी तरह की फिल्म थी, और इसके बाद छलिया आई तो आउट एंड आउट सस्पेंस थ्रिलर एक्शन मूवी थी, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया लोगों ने, हमारी टीम ने। और इसके बाद प्यार तो होना ही था, एक लव स्टोरी प्लस फैमिली ड्रामा, तो ये थोड़ा सा अब और हमारी फिल्मों से थोड़ा सा अलग हो गई है, तो इसलिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी तो फिल्म आएगी बनेगी उसके बाद ही पता चलेगा। कल्लू जी के साथ तीसरी फिल्म है, देव जी के साथ तीसरी है, समझ भैया के साथ दूसरी है, तो जो आर्टिस्ट मुझे पसंद आ जा रहे हैं मैं उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े डिसिप्लिन है। इनके बारे में तो ज़रूर कहूँगा कि ये एक्टरों पर ट्रस्ट करते हैं और आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, इनको लगता है कि अगर मैंने इस रोल को जो इन्होंने लिखा है और चौहान जी ने मिलकर जो करेक्टर बुना है, उस करेक्टर को सही मायने में परिपूर्ण करने के लिए मुझे वैसा ही एक्टर चाहिए जो उसको परिपूर्ण करे, तो ये पहली जीत वहीं कर लेते। जैसा कि भैया ने बताया कि कास्टिंग के लिए बहुत बहुत बधाई है इनको, तो ये कास्टिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अंधा जुआ खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है हम कलाकारों के लिए, मतलब ठीक है देव इस बार फिर से नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसा पेच होगा जो देव के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा, और मेरे लिए तो मुझे चक्री बना ही दिया है, तो इस बार मुझे घूमना है, वो एक सरप्राइज पैकेज होने वाला है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। सॉरी आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं ठीक है, बाकी तो कर ही रहे हैं और आगे का देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए।